इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल। अजमेर के तबीजी गांव में संचालित कस्तूरबा गांधी स्कूल के करीब एक दर्जन बच्चे अचानक बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जेलन अस्पताल लाया गया। इस दौरान मीडिया के कैमरा देखते ही स्कूल की अध्यापिका सकते में आ गई और बच्चों को मीडिया के कैमरों से छुपाने लगी। वहीं जब अध्यापिका से बच्चों को अस्पताल लाने का कारण पूछा गया तो अध्यापिका वहां से भागती नजर आई। इतना ही नहीं, अध्यापिका ने स्कूली बच्चों को भी कुछ भी बताने से साफ तौर पर मना कर दिया। स्कूल में अचानक बच्चों के बीमार होने की घटना से स्कूल प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो गए। वहीं दूसरी ओर प्राथमिक तौर पर मामला मिड डे मील खाने की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ भी नजर आता है, जिसे अब स्कूल प्रशासन छुपाने की कोशिश में लगा हुआ है। सवाल ये भी उठता है कि अचानक कस्तूरबा स्कूल के 12 बच्चे आखिर बीमार कैसे हो गए, और अगर उन्हें कोई मामूली बीमारी थी तो स्कूल प्रशासन चुप क्यों हो गया? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसका मतलब वो आप गलत हो, मतलब हम थोड़ा जानकारी तो दीजिए ना, हम बोलोगे आगे बढ़ जाना। ठीक है, मैम बात तो कर लीजिए आप। मैम एक बार जवाब तो दीजिए ना मैम, करो ना, 20 से 25 बच्चे मैम, सबको सो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा इनकी? मैम नॉर्मल रूटीन चेक करती है। हाँ सर, बच्चों का है। चलो मैडम का है। क्या हुआ, कैसे आए बेटा, क्या हो गया, कौन से स्कूल से आए? क्या हुआ क्या आपको? Thank you.